जो भी नियमित नियोजित हैं वो उनका कहना है कि मैं ये तो अतिथि शिक्षक है, कल चले जाएंगे, चार दिन बुलाते हैं, दो दिन बैठा देते हैं, चुनाव ड्यूटी करवा लेते हैं, पैसा काट लेते हैं। सर 6 महीना में 30,000 रुपया दीजिएगा तब भी अतिथि शिक्षक भूखे रह के। बिहार में शिक्षकों का मुद्दे को लेकर अलग अलग मुद्दों के साथ अलग अलग बातें आते रहती है, मगर अतिथि शिक्षकों का मुद्दा लगभग 4 सालों से चल रहा है और 4,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षक हैं। यहाँ पर सैकड़ों अतिथि शिक्षक अभी बैठक कर रहे थे और क्या कुछ बातें निकल कर आई है हम अभी पूछते हैं और समझते हैं कि क्या कुछ मांगे हैं और क्या कुछ बातें हैं, क्या कुछ मांगे और बातें थी। देखिए, हम लोग प्लस टू अतिथि शिक्षक हैं, 4 साल से सेवा दे रहे हैं प्लस टू विद्यालयों में। एक तरफ सरकार जो है, जो अनट्रेंड शिक्षक हैं उनको वेतन वृद्धि के लिए दक्षता का प्रावधान लेकर आए हैं, एक तरफ उसी विद्यालय में पदस्थापित अतिथि शिक्षकों को दक्षता का मौका न देकर और सरकारी विद्यालयों में पढ़ा रहे शिक्षकों को 60 वर्ष तक नियमित नहीं करने की बात कह के 7th फेज की बहाली लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि 7th फेज की बहाली आते ही स्वतः समाप्त हो जाएंगे। एक तरफ हम ट्रेंड को आप वेतन वृद्धि के लिए दक्षता का प्रावधान कर रहे हैं और एक तरफ हम 4 साल से सेवा दे रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, तो हमको 60 वर्ष तक नियमित सेवा करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी सेवा को देखते हुए, भावना को देखते हुए, 4 साल से जो सेवा दे रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में, हमें भी दक्षता का अवसर प्रदान कीजिए और हमारी सेवा को 60 वर्ष तक नियमित कीजिए। क्या कुछ कह रहे थे सर आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार राज्य उच्च माध्यमिक अतिथि शिक्षक संघ के तत्वावधान में विगत 4 वर्षों से हम लोग अपनी आवाज़ को उठा रहे हैं। हम सरकार से ये अनुनय विनय करना चाहते हैं कि हम लोग को अतिथि शिक्षक के रूप में 2018 में आप नियुक्त किए और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग अपने कार्य कुशलता को दिखा रहे हैं, जिसका रिजल्ट इंटरमीडिएट का रिजल्ट है, जिसको देखा जा सकता है। सरकार को इस विषय में प्लस टू में शिक्षक नहीं मिल रही, इसके लिए STET का प्रावधान वो किए हुए हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ आपके माध्यम से कम 4 वर्षों तक तो हम स्कूल के फैमिलियर शिक्षक हो गए हैं, अब हमें ही रख लिया जाए, मतलब 60 साल तक नियमित कर दिया जाए मुझे। दूसरी बात है कि 4 वर्षों के बाद अब शिक्षा मंत्री का एक बयान आया है कि अब वो भी STET के माध्यम से आ जाएं। अरे भाई, मेरा एज खत्म हो गया है। क्या चीज़ का शिक्षक हैं सर? मैं केमिस्ट्री विषय में, साइंस विषय के केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मैं अतिथि शिक्षक हूँ दरभंगा। आप सर? मैं फिजिक्स टीचर हूँ भोजपुर जिला से। आप सर? फिजिक्स में खगड़िया जिला से। इंग्लिश में खगड़िया जिला। आप सर? हम नवादा से। क्या चीज़ में शिक्षक हैं? सब्जेक्ट मैथ। चलिए, ये तमाम शिक्षक अभी बात कर रहे थे और क्या कुछ बता रहे थे आप अपनी समस्या? सर, मैं बता रहा हूँ कि 2018 में अतिथि शिक्षक प्लस टू में जाके अपनी सेवा दे रहे हैं। संघर्ष मैंने 18 से लेकर 22 तक संघर्ष किया, रोड पर भी किया, जैसा कि आपने भी देखा। लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि अतिथि शिक्षक के नाम पर हमारी शादी भी फिक्स हो चुकी थी, लेकिन ज्यों ही उन्होंने देखा कि ये कौन नियमित शिक्षक तो नहीं है, नियोजित शिक्षक तो नहीं है, चलो भाई अतिथि है तो अतिथि से कौन करेगा। यही प्रताड़ना आज मेरे स्कूल में हो रही है कि जो भी नियमित नियोजित हैं वो उनका कहना है कि मैं ये तो अतिथि शिक्षक है, कल चले जाएंगे, चार दिन बुलाते हैं, दो दिन बैठा देते हैं, चुनाव ड्यूटी करवा लेते हैं, पैसा काट लेते हैं। सर 6 महीना में 30,000 रुपया दीजिएगा तब भी अतिथि शिक्षक भूखे रह के। 6 महीने में 30,000 की? हर महीने में 30,000? जी नहीं नहीं सर, पैसा इतना कट जा रहा है ना, रियलिटी जब चेक कीजिएगा, जमीन स्तर पे आइएगा तो आपको हकीकत पता चल जाएगा अतिथि शिक्षक कैसे काम कर रही है। सर इतना शोषण होने के बाद भी आज जाके 9th 10th और 11th 12th का भी फीडबैक लेंगे तो बच्चों आज अतिथि शिक्षक को ही खोज रहे हैं, जिसका परिणाम आप 2018 का रिजल्ट उलट के देख लीजिए, 19 का रिजल्ट देख लीजिए, 20 का, 21 का, 22 का, ये किसका देन है? ये सर सिर्फ और सिर्फ प्लस टू अतिथि शिक्षकों की देन है। मैं सरकार से बस अंतिम यही आशा करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा था जल जीवन हरियाली के दौरान कि अतिथि शिक्षक नहीं रहिएगा, नियमित तो होइए ना जाइएगा, आप लगे रहिए, आप अपना वर्क दीजिए। क्या सर कब तक भूखे रखिएगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, साथ में शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि मैं आप ही का बच्चा हूँ, मैं बिहार का बच्चा हूँ, मैं बिहार का भविष्य निर्माता हूँ, मुझ पे मेरे भी बच्चे हैं, इस उम्र में अगर मेरी उम्र भी समाप्त हो चुकी है सर, अब मुझे परीक्षा देने के लिए मौका नहीं मिलेगी, हमें बचाया जाए। मुख्यमंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी मेरे बातों को और अतिथि शिक्षकों के दर्द को समझिए, कब समझेंगे? जब मुझे 7वें चरण के बाद बाहर कर दिया जाएगा तब। सर थोड़ी सी दया दृष्टि दिखाइए।
सरकार से हम लोगों ने यही कहा है कि अगर 20 जुलाई तक हमारी बातों को नहीं सुना जाएगा, अगर सुन लिया जाता है तो बहुत अच्छा, आधिकारिक घोषणा नियमितीकरण का नहीं होता है तो हम लोग 20 जुलाई के बाद बाध्य होंगे सड़क से सदन तक। मुख्य मांग में क्या क्या है आप लोगों की? मुख्य मांग हमारी यही है कि चूंकि हम भी एक सरकारी शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, अतिथि शिक्षक भले ही हैं लेकिन आपके सरकारी विद्यालय में पठन पाठन करवा रहे हैं, हमें भी दक्षता का अवसर प्रदान कीजिए और हमें भी 60 वर्ष तक नियमित कीजिए, दक्षता परीक्षा दीजिएगा। जी एकदम निश्चित, सभी अतिथि शिक्षक देने को तैयार हैं। जब एक तरफ अनट्रेंड शिक्षक को आप वेतन वृद्धि के लिए दक्षता का प्रदान करते हैं और हम सभी ट्रेंड शिक्षक हैं, योग्य शिक्षक हैं, आपको शिक्षक हमारे विषयों में मिल नहीं रहा है, फिर हमें बाहर की रास्ता क्यों दिखाने क्यों दिखाया जा रहा है? ये देख रहे होंगे ये दक्षता परीक्षा के लिए भी तैयार हैं ये अतिथि शिक्षक, और अभी अभी बैठक करके इन लोगों ने अपना आंदोलन प्रदर्शन और धरना की भी बातें की है। वैसे हम तमाम बातें और मांगे लाते रहेंगे, इन लोगों का कहना है कि हमारा 60 साल तक किया जाए, जो इन लोगों के भविष्य कह सकते हैं कि एक तरह से अंधकारमय में है कि 4 साल तक ये लोग किए हैं और हमेशा तलवार लटका रहता है कि अब ये लोग निकाल दिए जाएंगे, अब निकाल दिए जाएंगे, इसको लेकर इन लोगों ने अभी बैठक करके सूचना दी है। वैसे हम तमाम खबरें शिक्षक और अभ्यर्थियों का भी लगातार मुद्दा उठाते रहता हूं और लाते रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि मेरा नाम हुआ रविकांत, आप देख रहे हैं झकास भारत, धन्यवाद।